नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। खबर बहराइच से। पुलिस अधीक्षक जनपद बहराइच केशव कुमार चौधरी द्वारा रोकथाम जुर्म जरायम व क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर कुंवर ज्ञानेंजय सिंह व क्षेत्राधिकारी बयाकुर राजीव कुमार सिसोदिया के निर्देशन में थानाध्यक्ष राजकुमार पांडे के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम के द्वारा आज 6 सितंबर 2022 को थाना क्षेत्र बयाकुर के ग्राम पील व पदुम में दो पक्षों के मध्य मोटरसाइकिल को लेकर विवाद हो रहा था तथा ग्राम शिवदहा में दो पक्षों के मध्य पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हो रहा था तथा ग्राम पैतोरा में दो पक्षों के मध्य पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हो रहा था कि शांति भंग की आशंका के दृष्टिगत 6 नफर अभियुक्त को अंतर्गत धारा 151, 107, 116 सीआरपीसी में मानवीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों निर्देशों का पालन करते हुए गिरफ्तार कर न्यायालय उपजिलाधिकारी प्रयागपुर के समक्ष पेश करने के लिए रवाना किया गया। अभियुक्तों का नाम प्रवीण तिवारी पुत्र हवलदार तिवारी निवासी ग्राम बेल व पदुम थाना प्रयागपुर जिला बहराइच, अमरीश मिश्रा पुत्र ओमकार मिश्रा निवासी ग्राम बेलवा पदुम थाना प्रयागपुर जिला बहराइच, विकास मिश्रा पुत्र ओमकार मिश्रा निवासी ग्राम बेलवा पदुम थाना प्रयागपुर जिला बहराइच, सोनू मिश्रा पैच, सोनू शर्मा पुत्र कृपा राम शर्मा निवासी ग्राम पैतोरा थाना प्रयागपुर जिला बहराइच, महेंद्र शर्मा और पुत्र शर्मा पुत्र प्रेम प्रकाश शर्मा निवासी ग्राम पैतोरा थाना प्रयागपुर जिला बहराइच, राम किरण पुत्र रमई निवासी ग्राम शिवदहा थाना प्रयागपुर जनपद बहराइच। गिरफ्तार करने वाली टीम के नाम उप निरीक्षक हरीश सिंह, उप निरीक्षक रियाज अहमद, उप निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद, हेड कांस्टेबल रामाधार यादव, हेड कांस्टेबल सुनील गुप्ता। लाइव टीवी समाचार मंडल प्रभारी सारिका शर्मा की रिपोर्ट।